हेलो भाइयों, मैं मोहित बिश्नोई यादव आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर अपन आज बात करेंगे बुलेट 350 को कन्वर्जन के बारे में। क्योंकि मैंने जो बुलेट 350 है ये मेरी EFI वाली रहने वाली है, एंड मैंने इसके अंदर कार्बोरेटर लगवाया है, फ्यूल इंजेक्टर मैंने इसके अंदर से हटवा दिया बाहर। क्यों हटवाया था और हटवाने के बाद क्या फ़ायदा मिला, वो सारी चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो के अंदर। सबसे पहले बताता हूँ फ्यूल इंजेक्टर के बारे में। तो भाई, फ्यूल इंजेक्टर के अंदर क्या सिस्टम होता है अपने, कि जो जो टैंक होता है अपना, टैंक के नीचे अपने क्या नाम है, एक पंप लगा हुआ होता है, जो कि पंप काफ़ी कॉस्टली आता है, 20,000 25,000 के आसपास कुछ आता है। एंड वो पंप क्या करता है कि इसके अंदर इंजन के अंदर पेट्रोल डालता है, एयर और पेट्रोल का मिक्सर, वो एकदम मतलब फुहारे टाइप मारता है, मतलब उससे क्या बाइक चल जाती है, माइलेज अच्छा दे देती है और पटाखे भी नहीं बचते थे उसके अंदर। तो मैंने मेन कोई पटाखे वगैरह के लिए कोई वो उसके लिए नहीं बनाया, मैंने मेन इसके लिए बनाया इसको BS3 के अंदर, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी मतलब दिक्कतें आ रही थी। एक तो मिसिंग मार रही थी, मतलब बाइक काफ़ी उसके अंदर बहुत ज़्यादा, या तो मोटर ख़राब थी या पता नहीं क्या थी, तो बाइक मतलब चलते चलते कभी बार बंद हो जाती थी, या कभी कभार मतलब स्टार्ट होने में दिक्कत होती थी, मोटर कई बार थोड़ी ज़्यादा टाइम लेती थी, वो मेरे ऐसे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। मोटर अगर रिप्लेस कराएं तो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आता था। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर अपन कार्बोरेटर डलवा लेते हैं, एक तो RPM भी उसके अंदर आई रहती है, इसके अंदर RPM भी स्लो हो जाती है, तो काफ़ी चीज़ों को मतलब ऐसे फ़ायदा देखते हुए मैंने इसको कार्बोरेटर के अंदर फिट करवाया। अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे करवाया, मैं लास्ट में आपको उन भाई के नंबर भी दे दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर कोई मांगता है तो जिस दिन से मैंने कन्वर्ट कराई है वो रॉयल इनफील्ड के काफ़ी अच्छे मतलब मैकेनिक है, एंड वो शोरूम के अंदर काम वगैरह करते हैं रॉयल इनफील्ड की एजेंसी के अंदर ही, और बाकी आपको करवानी हो अगर वो बीकानेर के आसपास के रीजन से हैं तो आप लोग उनसे इजीली करा सकते हो। तो एक बार क्या हुआ था, मेरे इधर का जो सेंसर था, इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ एक बार का, तो सेंसर यहाँ से गया, थोड़ा ब्रेक हो गया था, बाइक लग गई थी कहीं पे, तो सेंसर ब्रेक होने के बाद बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही, मेरी दिक्कत आ रही थी। तो यार एक फ्यूल इंजेक्टर के अंदर रखते हैं अपने तो का बाइक अपने स्टार्ट भी नहीं हो पाती, ख़राब हो जाती है, मतलब पूरा एजेंसी के अंदर ले जाने वाला काम हो जाता है, धक्का देके लेके जानी पड़ती है, फिर ऐसे से फिर रख के क्या फ़ायदा फिर। तो फिर बाद में सोचा कि यार इसके अंदर कार्बोरेटर डलवा लेता हूँ, यार फ्यूल इंजेक्टर से तो क्या ही फ़ायदा लगवाने का, और वारंटी के अंदर हो भी नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि बाहर से ही करा लेते हैं। अब तो बाहर से ही मैंने काम करा दिया इसका पूरा, बाकी जो सामान था मैंने सारा ओल्ड टोटल जेनुअन लिया। मैं बता देता हूँ कुछ सामान कौन कौन सा इसके अंदर मेनली जो चेंज होता है, तो मैं पहले बता देता हूँ आपको, सबसे ऊपर मेन जो चीज़ है एम्पमीटर नया लगता है, एम्पमीटर के बाद में इसकी जो बाइक की पूरी जो वायरिंग आती है, वायरिंग पूरी की पूरी, टंकी सीट सब खुल के पूरी वायरिंग चेंज होती है इसकी। वायरिंग चेंज होने के बाद में मेन जो चीज़ होती है ये बॉक्स लगता है, इस बॉक्स के पीछे की पूरी हाउसिंग एंड ये पाइप, यहाँ इसके अंदर का पूरा ये सामान, एयर फिल्टर वाला जो एयर आती है इसके अंदर, पूरा बॉक्स है भरा हवा रहती है इसके अंदर, एंड यहाँ से कार्बोरेटर, ये सारी चीज़ इसके अंदर नहीं लगती है। ऑक्सीजन सेंसर रटर या बैंड पाइप मैंने पूरी अलग वो लगवा ली, नहीं बिना सेंसर वाली, तो ये ऐसे ऐसे कुछ इसका था ये। बाकी मैं आपको साउंड भी सुना दूंगा इसकी लास्ट के अंदर, आवाज़ वगैरह चेक करा के। बाकी इधर साइड से अगर देखा जाए तो इसके अंदर कुछ चेंज नहीं होता, खाली टैंक भी चेंज कराया था मैंने इसका, BS3 वाला टैंक लगवाया, एंड मैंने ये यहाँ पे वो लग गया अपने फ्यूल वाला। तो ये ऐसे कुछ अपने इसका ये हो गया, ये इसका ऐसे करके सामान सारा चेंज हुआ। और सामान आपको एजेंसी के अंदर भी आप लेते हो तो आपके कोई जोर मार के इसकी कॉस्टिंग है कोई 30,000 कुछ आसपास कुछ लगने वाली है, 30,000 भी नहीं लगने वाली मेरे हिसाब से। तो ये ऐसा कुछ अपना इसका हो गया रिव्यू। एंड अब बात करता हूँ मैं बाइक की कि साउंड वगैरह कैसी आ रही, इससे क्या मेरे को फ़ायदे मिले। हाँ, पहले जो इसका माइलेज था मेरे को उसमें कोई फ़र्क नहीं मिला देखने को, तो एकदम नॉर्मल सा माइलेज रहने वाला इसका, वो पहले जो जितना दे रही थी 30-35 वो उतना ही आज भी दे रही है, और पहले जितना ही सेम पड़ा है। और साइलेंट हो गई बाइक काफ़ी पहले से, पहले रेस इसकी एक्सेलरेशन वो काफ़ी ज़्यादा जाता था, अब वो नॉर्मल हो गया एकदम ठीक है। एंड मैं रिकमेंड नहीं करता आपको कि पटाखे बजाएं, बाकी पटाखे इसके अंदर बजते हैं अब, लेकिन मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करता, और ना मैं इसके अंदर बजाता हूँ ना मेरे को अच्छे लगते हैं बजाने। तो नॉर्मल सा एकदम सब कुछ ठीक ठाक है इसके अंदर, बाकी आवाज़ वगैरह सब एकदम पूरी परफेक्ट सी होगी, और एकदम अब फील आती है पूरी की बाइक अपने ओल्ड मॉडल लगवा रहे हैं चला रहे हैं। और मैंने नेक्स्ट चीज़ जो थी, एक ये भी चेंज होता है इसके अंदर, ये वाला भी स्विच चेंज हुआ था इसके अंदर, लाइट वाला आता है BS3 के अंदर, उसके अंदर लाइट वाला स्विच नहीं आता, तो एक लाइट वाला आ गया, उधर वाला वो सेम रहता है। एंड मैंने इसका हैंडल बार भी चेंज कराया था, जो कि अपने BS3 वाला है, एंड ओल्ड मॉडल वाला थोड़ा बैंड रहता है, क्योंकि यहाँ पे उसके थोड़े से यहाँ से बाहर आए रहते हैं, मेरे अंदर रह गया काफ़ी यहाँ से, एंड थोड़ा नीचे झुका हुआ रहता है, थोड़ा ऐसे मतलब यूँ रहता है, वो यूँ था, ये थोड़ा यूँ रहता है, तो ये काफ़ी अच्छा इसके अंदर चलाने के अंदर फील वगैरह आती है। तो अब मैं बात बता देता हूँ आपको कि मैंने इंजन के अंदर क्या क्या चीज़ें छेड़ी, क्या क्या चीज़ें नहीं छेड़ी।
तो पहले चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ एक सेंसर लगा हुआ होता है इंजन को टेम्परेचर को मेंटेन रखने वाला। तो यहाँ क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं यहाँ पे, इधर कोई अपन नट वगैरह लगा दूँ। तो मैंने इसका वायर कटवा दी सीधी यहाँ से, और ये मेरा सेंसर ऐसा कैसे ही पड़ा है, इसको उसमें छटा ही नहीं। फिर स्पार्क प्लग, कई लोग पहले पुरानी जो आती थी आपको पता होगा 3 BS 3 या BS 4, जिसके अंदर क्या होता था कि जो अपने स्पार्क प्लग है वो डबल आते थे, ट्विन स्पार्क लगाती थी। अब अपने सिंगल स्पार्क प्लग मिलता है देखने को, कई लोग क्या करते हैं छेद करके इधर से डलवाते हैं। तो मैंने छेद करके यहाँ पे कोई भी स्पार्क प्लग वगैरह कुछ भी नहीं लगवाया मैंने, ऐसा कैसा ही मेरे इसके अंदर पड़ा है। तो सिंगल स्पार्क प्लग के अंदर भी बढ़िया चल रही है, बढ़िया काम कर रही है। अब मैं इसकी आपको एक बार साउंड भी सुना देता हूँ कि साउंड इसकी कैसी आ रही है। तो भाई हम इसको मैं आपको एक बार स्टार्ट करके इसमें साउंड सुना देता हूँ आपको। तो बाइक को पहले स्टार्ट कर देता हूँ, वही वैसे स्टार्ट करूँ इसको, पूरी बाइक स्टार्ट होने लगे उसका आपको मैं साउंड चेक कर देता हूँ। तो ये इसका आरपीएम नॉर्मल आइडियल से इसके अंदर आरपीएम रहता है, एंड ऐसी कुछ इसकी साउंड आ रही है एकदम नॉर्मल। लगा के इसको सुन सकते हो ढंग से एकदम, और आपको एकदम उससे क्लियर पता लग जाएगा साउंड वगैरह का। तो मेरे 30,000-40,000 के आसपास कोस्टिंग कैसा है मैं पहले बता देता हूँ। सबसे मेन चीज़ आपको कार्बोरेटर नया डलता है, जो अपने 4 से 5 हज़ार कोस्टिंग करने वाला है। ये बॉक्स लगभग 1500 के आसपास कुछ 1000-1500 के आसपास कुछ रहने वाला है। ये पूरी असेंबली भी मतलब 1000 and कुछ ऊपर की रहने वाली है। टैंक जो अपना रहने वाला है BS3 का, शायद 9000 के आसपास कुछ का BS3 का टैंक था। और हैंडल बार थी जो मेरी कुछ 300-400 कुछ थी। एंड ये वाला है जो स्विच, ये मेरे 350 या 400 के आसपास कुछ था। एंड एम्प मीटर जो इसका था ये भी कुछ इतने के आसपास ही कुछ था। बैंड पाइप जो चेंज कराई थी ये मेरे 1500 की थी, एंड 1500 का मेरा साइलेंसर हो गया। और एक इधर मैग्नेट चेंज होती है इसके अंदर, मैं बताना भूल गया आपको पहले, इसके अंदर एक मैग्नेट भी चेंज होती है। ये मैग्नेट भी इधर वाली मेरी चेंज हुई थी, इसके अंदर यहाँ वाला डब्बा पूरा खुलता है, इसमें इंजन ऑयल को पूरा ड्रेन किया जाता है, ड्रेन करके फिर वो मैग्नेट चेंज करते हैं, मैग्नेट चेंज करके वापस इसको करके इसको फिल कर दिया जाता है। तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया इसके अंदर कि क्या क्या मेरे चेंज हुआ है और क्या क्या कोस्टिंग मेरे कैसे कैसे आई। तो मैं पहले हमने टैंक लगाया, टैंक के अंदर हमने जो इधर वाला जो फ्यूल वाला जो पंप आता है वो लगाया, तो ये मेरा लीक हो गया था। कई लोग क्या करते हैं इसके नीचे BS6 वाली के अंदर नीचे एक पत्ती लगती है इतनी बड़ी सी, उस पत्ती की वजह से क्या होता है कि ना यहाँ पे लगा के इसको लगा देते हैं तो वैसे काम चल जाता है। पर मैंने पूरा मतलब काम कराया BS3 वाला, तो मैंने पूरी सब कुछ चेंज करा दी। बैटरी मैंने सेम रखी, बैटरी इसकी मैंने चेंज नहीं करी, लेकिन फिर भी मेरे काफ़ी अच्छी मतलब बैटरी वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे थे कि वायरिंग वगैरह जल जाएगी, मेरे कुछ भी नहीं चला, सब सही चल रहा है। लाइट मैंने LED लगवा रखी है, तो मैंने इसकी लाइट भी पहले वो करा मतलब डायरेक्ट मतलब पहले थी जो बैटरी से चलती नहीं थी पहले, इंजन के साथ साथ चलती, तो लाइट थोड़ी LED थी तो इसलिए वो जगबुज कर रही थी, मतलब ऐसे थोड़ी डिम तेज होती थी। जैसे बाइक की अगर एक्सेलरेशन अपन धीरे करते हैं, एक्सेलरेशन धीरे के साथ साथ में उसकी लाइट भी डिम हो रही थी। तो मैंने जैसे अब इसको डायरेक्ट करा लिया बैटरी से, तो लाइट में भी कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, बाकी सब कुछ एकदम सही है। एंड मैं आपको इसके कराने के बाद में क्या क्या हुआ वो मैं और बाकी आपको एक्सपीरियंस करके आपको पूरा इसके बारे में बता दूंगा। एंड मैं एक सोच रहा था कि इसके अंदर कुछ GPS वगैरह कुछ लगाने की, तो आप मेरे को एक बार रिकमेंड जरूर करना कि GPS मैं इसके अंदर लगाऊं या नहीं लगाऊं, और लगाऊं तो कौन सी कंपनी का लगाऊं, कौन सा बेटर रहेगा। एंड मैंने एक देखा था OneLab का GPS, जिसके अंदर एक तो VI की सिम मिलती है एंड एक मिलती है एयरटेल की सिम, तो VI की ज़्यादा सही रहेगी, एयरटेल की सिम रहेगी सही। एंड या मेरे बता दें मैं एक बार OneLab का कैसा रहेगा, मैं OneLab के बारे में प्लानिंग करा था, बाकी वो भी मैं फिटिंग कैसे करता हूँ मैं सारा आपको बता दूंगा। एंड एक मेरे इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है बुश की, ये बीच में मेरा इसका बुश थोड़े घिस चुके हैं, तो ये भी चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि बाइक के अंदर थोड़े पीछे चलता है तो टायर के अंदर आवाज़ आती है जैसे कोई चंप वगैरह आता, तो ये मैं सारा आपको चेंज करा के ये वीडियो मैं डाल दूंगा, नहीं जो भी मैं चेंज कराऊंगा। और अब मैं सोच रहा हूँ जो मेरी वीडियोज है वो रेगुलर मैं डेली अपलोड करूँगा, या थोड़े दिन के अंदर एक फिक्स एक टाइम को लॉक कर लूँगा 4 या 5 दिन का, क्योंकि मैं साथ में अभी दूसरा भी मतलब स्टडी वगैरह कर भी रहता है काम, तो कर नहीं पाता मैं डेली रेगुलर अपलोड वगैरह। काफ़ी अभी मेरे को मंथ वगैरह मंथ से भी ऊपर हो चुका है मेरी वीडियो अपलोड की, बाकी मैं ढंग से इसकी वीडियो वगैरह सारी अपलोड करूँगा एंड आपको लगभग इसकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा बाइक की कि कैसी क्या इसकी रहने वाली है। एंड मैं घूमने के कुछ व्लॉग्स वगैरह थोड़े बहुत होंगे, मैं कोशिश करूँगा वो डालने की। तो मैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड पटाखे मैं बजा के सुना नहीं सकता, कई लोगों को कमेंट भी आएगा कि यार पटाखे बजा के सुनाओ, मैं पटाखे बजा के ना तो सुनाऊंगा ना, ये मतलब एक अच्छी भी नहीं लगती यार ये चीज़। एक आदमी मतलब बाइक के अंदर धीरे चलता है, शुरुआत में अच्छा लगती है बुलेट भी, बाकी बात फुकरापंती सी लगती है, मतलब अच्छे नहीं लगते। तो ये कुछ मेरा इसका रिव्यू था, एंड बाकी आप मेरे को बता देना कि कैसा लगा वीडियो, एंड नेक्स्ट में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ वो भी आप मेरे को बता देना एक बार।
एंड मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर मैं जहाँ भी होगा आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं कमेंट के अंदर आपको उन भाई के नंबर दे दूंगा जो ये मतलब इंजन का मतलब पूरा काम करके दे देंगे आपको, जेन्युइन काम करके देगा बंदा पूरा, या आप उनको कहोगे सामान मंगाने का सामान भी मंगा के दे देगा। हाँ एक चीज़ और रहेगी मैं बताने भूल गया, इसके अंदर जो पहले क्या ABS लगा हुआ था, BS6 जो आई थी ABS के अंदर, तो ABS के सेंसर भी इन्होंने निकाले थे। एंड कई लोग क्या करते हैं जैसे बाहर से अपन कन्वर्ट कराते हैं ना ये लोग गंगानगर साइड से, तो मैंने वहाँ पता किया था, पहले उन्होंने कहा था डिस्प्ले की भी पेन निकालनी पड़ेगी क्योंकि डिस्प्ले की इसके अंदर VC में सक्सेस रहती नहीं है, तो मैंने वहाँ उनसे कराई थी ना, तो उन्होंने मेरे डिस्क ब्रेक भी लगा के दिए और सारा काम एकदम बढ़िया ढंग से कर दिया मेरा पूरा उन्होंने। बाहर का यार डर भी लगता है पहले, तो गंगानगर भेजो हिसार भेजो उसको तैयार कराओ, एक मेरे यहाँ का यहाँ काम हो रहा एजेंसी का बंदा काम कर रहा एजेंसी में भी काम करता है, तो मतलब काफ़ी मेरे को फ़ायदा मिला उसको, तब मैंने जाके यहाँ पे काम कराया। बाकी पीछे वाला टायर भी मेरे को चेंज कराना पड़ेगा, तो आप मेरे को भी बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर कौन सी ब्रांड का मेरे को लगाना चाहिए, और मतलब मैं सेम ब्रॉड वाला ही लगाऊँ या फिर पतला वाला लगाऊँ वो भी बता देना मेरे को। साइडों से तो पूरा बचाव पड़ा टायर, बीच में से थोड़ा काफ़ी घिस चुका है, मतलब 10-20% ही कुछ बचा होगा, बाकी आप देख लेना। एंड थैंक यू भाई वो वीडियो देखने के लिए, अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में अंदर बता देना आपकी कौन सी वीडियो में बनानी चाहिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू भाई।